सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गा साहू और आप सभी के लिए उपस्थित हूँ एक और खूबसूरत सा बेहद ही खास वीडियो। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसा कि देख रहे हैं, अभी मैं घर में ही हूँ, काफ़ी दिनों से कहीं जा नहीं पाए हैं। हालांकि प्लानिंग बन रही है, कहीं ना कहीं अभी जाने वाले हैं एक हफ्ते के अंदर। तो आप लोगों को एक अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा, खूबसूरत किसी प्लेस में जाके आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल मैं अभी घर में हूँ और जैसा कि नॉर्मली होता है, घर में अगर आप शूट करते हैं तो घर वालों के चेहरे में थोड़ा सा मुस्कान आ जाता है कि कुछ है ना, चालू हो गया लेके मोबाइल, ऐसा करके सबके घर में सोचते होंगे, आप लोगों के घर में सोचते होंगे। अगर सोचते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर के सामने देख रहे हैं आप, मक्का लगा हुआ है, मक्का भुट्टा जिसे देसी भाषा में बोलते हैं। और ये मम्मी इधर लगी हुई है, भिंडी तोड़ के लाई है और अभी सब्जी बनने वाला है भिंडी का। ये सब तो बात की बात है, मैं स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे जैसा कि मैंने भी कभी शुरुआत किया था फर्स्ट वीडियो डालने के लिए कैमरा उठाया, तो मुझे भी बोलने में बहुत समस्या होता था। आप लोगों को भी हो सकता है समस्या हो रहा हो बोलने में फर्स्ट टाइम पे। तो मैं किस बुक के ज़रिए अपना जो बोलने का तरीका है वो मैंने चेंज किया, कैसे मैंने बोलना सीखा कैमरे के सामने। मैं भी कभी ऐसा इस कैमरे के सामने आता था तो पसीने छूटते थे, शब्द नहीं मिलता था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो अगर ऐसा ही आप लोगों के साथ हो रहा है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं भी अब आप लोगों को घर के अंदर चल के और दिखाऊंगा मैं कौन सा बुक जो है पढ़ा हूँ और कौन सा बुक पढ़ के और उसमें क्या क्या सीखने को मिला और कैसे मैं अपनी बोलचाल की जो शैली है वो सुधार पाया और बोलने का जो तरीका है वो मैं समझ पाया और कॉन्फिडेंस आ पाया। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलता हूँ घर के अंदर। तो ये अभी हम इंटर कर गए अपने कमरे में। ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है, यहीं अपन सोते हैं, मच्छरदानी लगी रहती है परमानेंट, पंखा चल रहा है और ये मेरा बेड के सामने सोफा लगा हुआ है, यहीं अपन बैठ के और पढ़ते लिखते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं, जो भी करना होता है। मेरे पास काफ़ी सारे बुक पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं नीचे ये रखा हुआ है। और ज़्यादातर मैं किसी न किसी बुक के साथ ही समय बिताता रहता हूँ अगर खाली हूँ तो। मैंने पहली बुक जो है, मैं अक्सर करके मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता था। और एक बार मुझे डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी का शो देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, उस पर उन्होंने बताया कि अगर आप बोलने से हिचकिचाते हैं, बोलने में कोई समस्या है तो आप मेरा एक बुक है उसे पढ़िए। और वो बुक है ये सफल वक्ता सफल व्यक्ति, इस बुक का नाम है। तो मैंने ऑर्डर किया और सफल वक्ता सफल व्यक्ति इस बुक को जब मैंने पढ़ा, इस बुक को पढ़ने के बाद जो है मेरे अंदर का जो झिझक था वो ख़त्म हुआ और बोलने का तरीका आया और माइक में कैसा बोलना है या मंच पे जाके क्या अनुभव करना है और कैसे बोलना है, भीड़ में कैसे बोलना है, डरना क्यों नहीं चाहिए, सारी समस्याओं का समाधान इसमें लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोगों को बोलने में कोई समस्या है तो इस बुक को आप मंगा करके और इसे पढ़ें। इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं, कुछ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसा कि अगर मैं बात करूँ कुछ फ्रंट लाइन की, तो इसमें आप देख पा रहे हैं माइक का डर और मंच का भय ये कैसे ख़त्म करें, वक्ता के साथ गुण। और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, श्रोताओं को जीतने के तरीके, आवाज़ के जादू से जीते दिलों को, ठीक है, ये आपके एक पॉइंट है। और अनचाहे शब्दों से बचिए,
कहाँ पे क्या नहीं बोलना है, ये किस भाषा का उपयोग नहीं करना, ये भी आप इसमें सीख सकते हैं। काफ़ी बातें हैं, लगभग आप ये 62 पॉइंट पे बात किया गया है। तो इस बुक को आप ज़रूर मंगाइए और इस बुक को पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है आपका बोलने का जो समस्या है, जो झिझक है, वो ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली ख़त्म होगा। क्योंकि मेरा हुआ है, मैं कभी किसी रिलेटिव के सामने अगर घर में कोई आ जाता था तो कभी बात नहीं करता था, और कभी किसी के सामने जा कर के मैं कभी कोई बात नहीं करता था, या किसी के सामने जा नहीं सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा करता था, ऐसा मुझे लगता था कि हो सकता है कहीं कुछ पूछ दे, कोई सवाल कर दे और मैं जवाब ना दे पाऊँ, इसलिए मुझे डर लगा रहता था। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, और अगर आप शहडोल के आसपास में हैं तो मैं ये बुक आप लोगों को, किसी एक को ये मैं दे सकता हूँ गिफ्ट के तौर पे। आप मुझे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि मैं किस जगह से हूँ, और आपको शहडोल तक आना पड़ेगा, और शहडोल आएंगे तो मैं आपको ये बुक दूंगा, दे दूंगा, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। और इस बुक के जरिए अगर किसी का भला होता है तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसा ही कुछ नॉलेजेबल वीडियो भी बीच बीच में मैं अपनी जो जर्नी है, मैंने जहाँ से जो कुछ भी सीखा वो बताता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एक और बुक है, अगर आपको ज़्यादा समस्या है डर किसी भी प्रकार का अगर, तो ये एक मैं अभी लगभग एक महीने पहले ये बुक लेके आया हूँ। इसमें आपको हर समस्या का समाधान मिलने वाला है, हर प्रकार का डर जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, अगर आप लोगों का कमेंट आया, और अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट करिए, मैं ये भी दे दूँगा। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, जैसा कि एक ये हो गया, जो मैं हमेशा पुस्तकों के साथ ही रहा हूँ, इनर इंजीनियरिंग, और एक ये हो गया आपका सुहानी शाह जी का है, बेस्ट मैजिशियन, जो 7 साल की उम्र से इन्होंने मैजिक करना सीख लिया था। तो जानिए अपनी छुपी अंतर शक्तियों को। एक है आपका नेपोलियन हिल का है ये, सोचो और अमीर हो जाओ। एक मैंने पढ़ी थी पुष्कर राज ठाकुर का, आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ही गहराई से जानना चाहते हैं, तो ये है दीपक बजाज का बनिए नेटवर्क मार्केटिंग सोशल मीडिया मिलेनियर। और इसको अभी लेकर आया हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ इसे, इसके बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं है, अभी 2-4 दिन हुए हैं, तो इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। संबंध है, संबंध और क्या है जीवन। तो अगर आप लोग लोकल शहडोल के आसपास से हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को कुछ बुक्स जो चाहिए होंगे वो मैं दे सकता हूँ गिफ्ट के तौर पे, आपको शहडोल तक आना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी ब्यूटीफुल प्लेस के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।